तो नमस्कार, बिंदास मार्केट ऑफ स्टॉक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सिंटेक्स इंडस्ट्री की। दोस्तों, नाम सुनते ही भाग मत जाना, मैं बता देता हूँ आपको, वीडियोज को पूरा देखा करो, ठीक है, ताकि आपको कुछ सीखने को मिल सके, ठीक है। अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेंगी। और जो लोग पहले से मेरे वीडियोस को देखते हैं, उनका दिल से शुक्रिया, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा मोटो है कि मैं आपको कुछ आपकी लाइफ में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकूँ लर्निंग के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊँगा कि देखो, लोग बाग अपना पैसा कैसे फंसाते हैं, ठीक है, और ऑपरेटर का गंदा खेल कैसे होता है, ठीक है, ऑपरेटर का गंदा खेल कैसे होता है, और लोग अपना खेल पैसे कैसे बचाते हैं। और मेन चीज़ होती है कि हमें कब बाय करना है शेयर को, कब एंट्री मारनी है, ये सारी चीज़ें ना आप जब कंटिन्यू, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप एक साल तक कंटिन्यू अगर लर्निंग करते हो ना, एक साल तक कंटिन्यू, तो आप खुद सीख जाओगे, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी लेने वाले हैं। 99% शेयर गिर चुका है, बहुत से लोगों का पैसा फंसा हुआ है, सो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपका भी पैसा ना फंस जाए दोबारा। सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड 1931 इज प्राइमरली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ टेक्सटाइल एंड यार्न, कपड़े और धागे का बिजनेस है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, मार्केट कैप केवल 467 करोड़ का है, आरओई और आरओसी बिल्कुल भी नहीं है, मानस में जो भी है। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ठीक है, कंपनी हैड डेज हैव इम्प्रूव्ड, डेफ्टर डे, ठीक है, कंपनी में के डेफ्टर जो डेज हैं उनमें इम्प्रूव हुआ है, चलो अच्छी बात है ये भी। यहाँ हम बात करते हैं कंपनी की सेल्स 592 करोड़ से 943 करोड़, और यहाँ हम देखते हैं मेन चीज माइनस 91 करोड़ से माइनस 101.01 करोड़। तो कंपनी ये बोले हमने कर्जा खत्म कर दिया लगभग, तो ऐसी आशा की जा रही है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें ये देखना है तू कर क्या रहा है, कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, ठीक है। लंबी चौड़ी हाँकने से कुछ नहीं होता, हमें कंपनी की सीट देखनी है, सेल्स में ग्रोथ है, प्रॉफिट है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं ईयरली वाइज देखते हैं तो 3282 करोड़ से 2753 करोड़, कोई ग्रोथ नहीं है सेल्स में, ठीक है। और यहाँ नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 329 करोड़ से माइनस में 589 करोड़। अब आप समझ गए होंगे ना कि कंपनी में क्या प्रॉफिट है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई सेल्स ग्रोथ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी का रिजर्व क्या है, देखो 1920 करोड़ का रिजर्व था, 6601 करोड़, सॉरी कितना, 1920 करोड़ का रिजर्व था, अब कितना है 1469 करोड़, कम हो गया। बोरोंग कितनी थी 2630 करोड़, कितना है 6601 करोड़, कर्जा कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है। कंपनी का मार्केट कैप कितना था, अभी आपने देखा था शायद 700 कुछ करोड़ था, दोबारा देख रहे हैं लौट के, देखो यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग की पैटर्न, 28% की हिस्सेदारी थी, कितना रहेगा 4%, FIDA के पास हिस्सेदारी 6.090 थी, वो भी निकल गई, ठीक है। अब फंसा कौन, पब्लिक 64% की हिस्सेदारी थी, आज देखो 95%, क्यों भाई, आपको ऐसा क्या लगा इस कंपनी में जो आपने इतनी हिस्सेदारी पब्लिकों ने हमारा, आप लोग हैं क्यों फंसे, आप जानबूझ के फंसे, क्या आपको ये नहीं पता था कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कहाँ से घटना शुरू हुई है। देखो 2019 के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी घटना शुरू हो गई है, और आप कह रहे हो कि हम फंस गए, जानबूझ के फंसे हो, जब आपको पता था कि कंपनी की प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी एवरी क्वार्टर में घटाते जा रहे हैं, देखो तो आपने क्यों खरीदा, और पब्लिक हर क्वार्टर में बढ़ाती जा रही है, क्या ये FII और डे वाले पागल थे, इन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी घटाई है देखो एवरी क्वार्टर में, और देखो कहाँ पहुँचे 0.008, 0.20, तो आपने क्यों खरीदा, सस्ता मिल रहा था इसलिए। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, पहली शेयर में बहुत बुरी तरह फंसते हैं लोग, और मेरा यही मोटो है कि कुछ तो आपकी कमी है कि आपने लर्निंग नहीं की, और कुछ लोग ऐसे हैं हमारे इंडिया में, ऐसे चैनल्स बहुत हैं जो बार बार बोलते हैं, प्रेशर देके बोलते हैं खरीद लो, सिंटेक्स इंडस्ट्री है, लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, 6 रुपये का शेयर है, 5 रुपये का शेयर है, पहली शेयर है 1000% का रिटर्न देगा, कहाँ है 1000% का रिटर्न। दोस्तों आपका जो पैसा है ना, बहुत ही मेहनत का पैसा है, आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से खेलना है शेयर मार्केट में, ठीक है। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि आप पब्लिक आदमी जो है, आम आदमी का पैसा फंस जाता है, और ऑपरेटर अपना पैसा बना के निकल जाते हैं। तो इसीलिए तो मेरा मोटो है कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं, मेरी वजह से अगर आप एक चीज भी सीखते हो तो मैं बहुत थैंकफुल होऊंगा आपका। तो दोस्तों इसमें देखो, इसमें ना पब्लिक बेचारी फंसी हुई है, इस बात का मुझे बहुत दुख है, और वो क्या करे, क्योंकि उसको उनको किसी ने अच्छे से गाइडेंस किया ही नहीं। जब प्रमोटर बेल माल बेच के निकल रहे थे, FII वाले निकल रहे थे, डे वाले निकल रहे थे, कंपनी पर कर्जा बढ़ता जा रहा था एवरी क्वार्टर, सेल्स में प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं थी, तो पब्लिक ने क्यों माल उठाया,
आपकी भी गलती है थोड़ी सी, ठीक है। और कुछ लोग हमारे अराजक तत्व हैं हमारे समाज, हमारे यूट्यूब पर, जो बार बार बोलते हैं कि सिंटेक्स इंडस्ट्री आपको करोड़पति बना देगा। अब वो इस पर कोई वीडियो नहीं बना रहे होंगे, ठीक है। तो यही है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखो मैक्सिमम चार्ट ओपन करके देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि कंपनी का शेयर जो है यहाँ से यहाँ तक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया कंपनी के शेयर ने, ठीक है। देखो हजारों परसेंट का रिटर्न निकाल के दिया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं करते हो यार? अगर आप किसी पहली शेयर में अगर आप पैसा डाल भी रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक कंपनी ने हजारों परसेंट का रिटर्न निकाल के दिया, क्या आप अपने कैपिटल को निकाल नहीं सकते थे? क्या शेयर ने आपको मौका नहीं दिया? दिया, लेकिन शायद आप ज़्यादा लालची हो गए इसलिए फंस गए, या फिर आपने यहाँ पर गिरावट में खरीदा उसके बाद भी मौका दिया, यहाँ पर खरीदा उसके बाद भी मौका दिया, यहाँ पर खरीदा उसके बाद भी मौका दिया, और यहाँ उसे गिरा तो इतना गिरा कि बिल्कुल भी मौका ही नहीं दिया खरीदने का, फिर भी आपने ज़बरदस्ती खरीदा। क्या किया आपने? फिर ज़बरदस्ती खरीदा। थोड़ा बहुत वेट करते आप, अगर आपने इस जगह पर बाय किया था तो मैं आपको बताया हूँ कि अगर शेयर जो है गिरावट होने के बाद कंटिन्यू गिरावट करता जा रहा है, थोड़ा भी रुक भी नहीं रहा है, कंसोलिडेटेड फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो आपको बाय नहीं करना है। पहले आपको वेट करना है कि रुकेगा कहाँ जाके, क्या समझे कोई कुछ भी कहे, पहले आपको इस चीज़ का वेट करना है कि गिर रहा है, गिरने दो, ये रुकता कहाँ पर जाके है। देखो अब ये यहाँ पर आके रुका था यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल फ्लोर पे आ गया था बिल्कुल। आप यहाँ बाय करते तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना लॉस नहीं होता, ठीक है, इस जगह पे इतना लॉस नहीं होता, क्योंकि कंपनी की बुक वैल्यू भी की कोई चीज़ होती है। अभी इसकी बुक वैल्यू देखोगे ना, मैंने आपको बुक वैल्यू नहीं दिखाई, देखो यहाँ तो शायद नहीं दिखा रहा है, अभी इसकी बुक वैल्यू है 25 रुपये शायद, आप देख लेना, चेक कर लेना, मैं 100% श्योर हूँ शायद 25 रुपये बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू क्या होती है दोस्तों? कंपनी कर्जे में डूब जाए और कंपनी सारी अपना सब कुछ बेच दे, तो बेचने के बाद कंपनी का जो बुक वैल्यू होती है उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाता है। अभी इसकी कंपनी की बुक वैल्यू 25 रुपये, तो अगर आप इसको इस जगह पर बाय करते हैं ना, इस जगह पर, ये भी एक ट्रिक है, अगर आप बुक वैल्यू से नीचे बाय करते हो तो भी आपका पैसा निकल आएगा, जितना पैसा लगा होता तो निकल ही आएगा। यहाँ पर बाय करते हैं आप तो आपकी बुक वैल्यू कितनी? 25 रुपये, तो आपको एक शेयर के हिसाब से 25 रुपये तो मिल ही जाता कम से कम, भले ही गिर जाता। मान लीजिए बुक वैल्यू होती है, अगर किसी कंपनी का शेयर जो है 800 रुपये प्राइस है और कंपनी की जो है बुक वैल्यू 500 रुपये, तो कंपनी जब बंद होती है तो आपको 500 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है, और बाकी ऊपर के 300 रुपये नहीं मिलेंगे क्योंकि वो प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो आपको बुक वैल्यू भी देख लेनी चाहिए कुछ तो, देखो आप आँख बंद करके उठाओगे तो इसमें आपकी ही गलती है। सो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि प्लीज़ लर्निंग पर फोकस दो, वरना सब कुछ लौट जाएगा, कुछ नहीं हाथ आएगा। सो देखो इस एक वीडियो में मेरा इतना ध्यान रहता है कि मेरे को क्या क्या बताना चाहिए। सो प्लीज़ इसलिए वीडियोस को कंटिन्यू देखना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, बिना लर्निंग के कोई अर्निंग नहीं हो पाएगी। सो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर लेना, और किस किस का पैसा फंसा हुआ है, कितना फंसा हुआ है, कितने शेयर बाय कर रखे हैं, एक बार कमेंट करके बताना, और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको टाइम टाइम में मिलती रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और थैंक यू सो मच।